जिज्ञास हो, आज मैं आपके समक्ष नक्षत्र जो अक्षर हैं अल्फाबेट क्रम से, आज जी अक्षर के ऊपर जिसका नाम होता है उसका क्या भविष्य रहेगा, क्या स्वभाव रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, वो दर्शाने जा रहा हूँ। जी इस अक्षर का नक्षत्र जो होता है धनिष्ठा होता है, गा गी गू गे धनिष्ठा। तो ग अक्षर है वो धनिष्ठा नक्षत्र है, इसकी राशि कुंभ है। तो इस प्रकार से गा गी गू गे धनिष्ठा, तो कुंभ राशि इस समय इसका 7.5 शनि चल रहा है कुंभ राशि पर, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल इस समय बकरी चल रहा है, वो 14 तारीख तक बकरी है, 14 नवंबर तक। तो 14 नवंबर के बाद मंगल का अच्छा प्रभाव दिखने लगेगा जब मार्गी हो जाएगा। इसलिए इस समय जो जी अक्षर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हो रहा है खर्च का पड़ रहा है, यानी पैसा टिक नहीं पा रहा है, और पैसा जहाँ भी अपन लगाते हैं उसमें नुकसान हो रहा है। कर्ज देना है वो कर्ज की मात्रा बढ़ रही है धीरे धीरे, और नए आयाम नए स्रोत हमने आय के बनाए हैं उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से अर्थ के मामले में बहुत ही ज्यादा तो भयावह स्थिति चल रही है जी की। और मंगल जो है वो नक्षत्र का स्वामी होता है, तो मंगल जब नक्षत्र का स्वामी होता है तो वो भी ठीक नहीं चल रहे, वो मीन राशि पर चल रहे हैं, आपकी राशि से दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान का मंगल धन और कुटुंब में चल रहा है, धन से संबंधित हानि पहुंचा रहा है, और परिवार में सुख शांति छीन रहा है, और साथ साथ में यही मंगल अपनी संतान जीवन में भी थोड़ा परेशानी कर रहा है। अपने संतान को उनके रखरखाव उनके व्यवस्था में अथवा उनकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा व्यवधान पहुंचा रहा है। साथ साथ में जो स्टूडेंट हैं जी अक्षर वाले उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, उच्चाटन हो रहा है। इस प्रकार से जी मंगल की स्थिति मैंने दर्शाई। और ये मंगल जो है किन किन चीज़ों का कारक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले धनिष्ठा का है तो भोरा जी, यानी विपत्ति कारक है आपका, विपत्ति कारक गुरु है। तो विपत्ति कारक जी अक्षर के लिए विशेष विपत्ति का समय चल रहा है इस समय। और सागु और दूसरा व्यवहार और व्यापार, इन दोनों में कुछ परेशानी चल रही है, और व्यापार तो इनको फलता नहीं है। अगर यदि कर ही रहे हैं तो कंसल्टेंसी करें, इन्वेस्ट करने का कोई व्यापार ना करें उसमें हानि होगी। इन्वेस्ट का मतलब है ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग में आपको हानि उठाना पड़ेगी। बिना पैसे का व्यापार अपनी बुद्धि से करें, जो एजेंसी रहे को थोड़ा सा उसमें आपको फायदा होगा, जिसमें पैसा न लगाना पड़े, इस प्रकार का व्यवसाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कि और जैसे आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, स्वभाव बिगड़ रहा है, और सुख शांति नहीं, जिनका विवाह बहुत दिनों से रुका हुआ वो भी रुका हुआ है, विवाह नहीं हो पा रहा है, और पत्नी अगर विवाह हो भी गया है तो विचार नहीं मिल रहे पत्नी से। तो इस प्रकार से ये भौतिक सुख साधनों की कमी है, वाहन और भवन ये दोनों की कमी दिख रही है। भवन से संबंधित कोई कार्य है वो हो नहीं पा रहे हैं पूरे, कहीं ना कहीं रुकावट चल रही है। तो भवन का योग भी थोड़ा सा परेशानी से युक्त चल रहा है। और सबसे अच्छा क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ आपको, सबसे अच्छा आपको जो है सो लोहा मशीन से संबंधित कोई भी कार्य अभी ना करें, क्योंकि लाभ तो होने का योग है, लेकिन अभी ना करें।
क्योंकि अभी आपको शनि जो है सो 7:30 ही शनि चल रहा है, इसी जो लोहा और व्यापार का कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सावधानी बरते हैं, और साथ साथ में केतु अच्छा है आपका, केतु अच्छा होने से आपका जो अचानक होने वाले कार्य उसमें सावधान अच्छा कार्य करेंगे। आप कुत्तों का पालन करें, कुत्तों की सेवा करें तो आपको जैसो जी शब्द वालों के लिए बहुत उत्तम फलदायक होगा, क्योंकि 7:30 शनि और ये सब उनके कुत्तों को रोटी खिलाने से, उनको बिस्कुट वगैरह खिलाते रहे समय समय पर, नित्य ही खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और गाय को जो है सो प्रतिदिन कुछ न कुछ हरी घास या हरी पत्ता या सब्जी वगैरह दे दिया करें, जिससे कि गाय माता भी प्रसन्न रहें। वो कुत्ता से तात्पर्य यह है, केतु जो है सो जिसका अच्छा होता है उसको केतु कुत्ते से संबंधित कोई उनकी से मतलब उनको रख रखाव उनकी व्यवस्था करें तो अच्छा फलदायक होता है। इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम फलदायक रहेगा। और इस समय आपका जो केतु है, केतु कुंभ राशि से अब ये वृश्चिक राशि में जा रहा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि जो है सो कुंभ राशि वालों के लिए धनुराज पंचम है, तो आपकी जो है सो वृश्चिक राशि वृश्चिक धनु मकर और कुंभ चौथी चार निकल गए, यानी दसवें स्थान पर आपके जो चल रहे हैं केतु महाराज, तो दसम स्थान के केतु दसवा कर्म स्थान है, कर्म स्थान से संबंधित मतलब आपका जो कैरियर है वो कर्म स्थान है, उसमें सुधार आ जाएगा। अभी कर्म स्थान भी बिगड़ा हुआ है, उसमें सुधार आने की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार से जिसका जी अक्षर पर नाम है, अच्छा उसका स्वरूप कैसा रहेगा, जी अक्षर वाले जो व्यक्ति हैं वो जो है सो एकदम जो है सो राउंड लेकर के मतलब किसी चीज़ को घुमा करके बात करेंगे और फिर स्थिर हो जाएंगे और फिर अपनी बात करेंगे, तो कोई भी चीज़ को पहले सस्पेंस में डाल देंगे और फिर थम जाएंगे और फिर अपनी बात करेंगे। इस प्रकार उनको स्वभाव की स्थिति होती है, वो मन में अधिक जो है सो उनके मन में संकल्प विकल्प बने रहते हैं। तो जी अक्षर का जो है सो मैंने प्रभाव और स्वरूप आपको दर्शाया। आशा करता हूँ कि भविष्य में आप जो है ये जी अक्षर वालों के लिए जो भविष्य निर्माण के लिए अभी 2 साल हैं, 2 साल तक जो है सो आपके हृदय पर शनि चल रहा है, उस समय तक आपको सावधानी रखना है, क्योंकि उस समय तक की सावधानी, हाँ आप परोपकारी हैं, दूसरों के उपकार करने में सबसे आगे रहते हैं, सेवा भावी हैं, दूसरों का काम करने में सेवा भाव में आपको प्रसन्नता रहती है, आप हेल्पफुल माइंड है, सहयोग की आपको भावना अच्छी है आपके अंदर, ये स्वभाव की स्थिति आपकी बनी हुई है। और इस प्रकार से आप मन में सब कुछ समझते हैं लेकिन व्यक्त नहीं करते हैं, ये आपके स्वभाव में है, लेकिन आपको व्यक्त करना चाहिए जिससे आपके मन में जो है तो किसी प्रकार खिन्नता ना हो। इस प्रकार से मैं आपको जी अक्षर के ऊपर मैंने आपको वर्णन किया। आशा करता हूँ कि भविष्य में जो है आगामी जो अक्षर है ABCDEFG, अब H के ऊपर मैं कल वर्णन करूँगा, आप श्रवण करेंगे, आशा करता हूँ आपको ध्यान से आप सुनेंगे। मैं और एक अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस एपिसोड में जो भी मैं नित्य आप सुनते हैं, मेरे बुरासी भविष्य सुनते हैं, तो सब्सक्राइब करें तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जिसमें मेरा मन प्रसन्न रहे। मैं आशा करता हूं कि आप श्रवण करेंगे। हरिओम तत्सत।